तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में फिर से। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं फिर से एक नई न्यूज़ लेकर के आ चुका हूँ, और इस बार है आपके एसएससी की एक और नई न्यूज़। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूँ कि एसएससी जेई टीयर वन के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जेई टीयर वन के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, आप सभी वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर की जो एग्जामिनेशन होती है, एसएससी द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है, उसकी टीयर वन के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया इन्होंने। तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताया, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ले। तो देखिए, 30 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो आप सभी अपने तैयारी में जुड़ जाइए। और देखिए, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो एसएससी जेई टीयर वन रिक्रूटमेंट 2020, ओके। तो आप सभी नीचे जाइएगा, जैसे कि आप सभी को सारे डिटेल तो पते होंगे ही अच्छे से, कि कितने सारे एग्जाम में सिलेबस क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड NWR रीजन की आ चुकी है, डाउनलोड एडमिट कार्ड CA रीजन की बहुत ही जल्दी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड अदर रीजन यहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, तो आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुल जाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो बस जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एड्रेस वगैरह, दी एडमिट कार्ड मे बी डाउनलोड फ्रॉम द फॉलोइंग रीजनल वेबसाइट, ये सारे रीजनल वेबसाइट है, कहीं से भी आप जा करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है, समझ गए। तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, आप सभी अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक कर ले। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करके NWR रीजन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से बता दी जाती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड इशूड बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ है। तो आई हैव रीड, सबमिट करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ ये इसकी लोगो है, ठीक है, नीचे हम जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, प्लीज़ फिल योर डिटेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, और मदर्स नेम डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और अपना आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर जो फॉरगॉटन, अगर जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ डाल करके वैसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी SSC JEE टीयर वन की एडमिट कार्ड रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे आप अपना सारे डिटेल डालिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए और मदर्स नेम डालिए, यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड आपकी आई है या नहीं आई है, ठीक है। CA रीज़न की बहुत जल्दी आ जाएगी, तो इसके लिए आपको घबरानी नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाएगी। बस आप ये जान जाइए कि एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, उसी डेट के विदिन आपके एग्ज़ाम कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ फेज़ 8 की भी थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन है, वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगा, क्लियर है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि आपकी एग्ज़ाम की डेट जो रिलीज हो चुकी है, वो है कब से दोस्तों, 30 मार्च से लेकर के, ठीक है, तो 30 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आपकी एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट करके बताएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF मिलेंगे हमारे जो चैनल पर हम पढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जनरल साइंस की हम बहुत ही अच्छी क्लासेस आप सभी को करवा रहे हैं, SSC और RRB एग्ज़ाम के लिए, रेलवेज एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो उसे आप देखना बिल्कुल ना भूले। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बताए रखे हैं, जो कि आपकी CHSL एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो सारे दोस्तों में आप अपना शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि SSC JEE की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुकी है, बस कुछ रीज़न की, जैसे कि CR रीज़न की अभी अवेलेबल सुन बताया जा रहा है, यानी कि ये बहुत जल्दी आ जाएगी, क्लियर है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए, और बाकी रीज़न की आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि NWR रीज़न की आप आसानी से चेक कर सकते हैं, और अदर रीज़न की भी चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।